भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरू से ही कुछ ठीक नहीं रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के बाद तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में दरार और गहरी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति दोनों देशों के बीच बनी उस पर अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आखिर क्या है अमेरिका का वो बड़ा बयान, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। पाकिस्तान का कश्मीर अलाप कोई नई बात नहीं है। अक्सर ही पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दों पर अपनी नाक घुसाने की कोशिश करता है, जिससे दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। वहीं अब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर अमेरिका की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को अपने द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करने की सलाह दी है। बता दें कि ये बयान अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री डीन थॉम्पसन ने एक सम्मेलन के दौरान दिया है, जिससे अमेरिका ने अपना रुख भारत और पाकिस्तान को लेकर साफ कर दिया है। बता दें कि डीन थॉम्पसन ने अपने बयान में कहा कि भारत पाकिस्तान के संबंध में मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि हम दृढ़ता से मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे उनके लिए आपस में हल करने के लिए हैं। हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम लागू हुआ था वह बरकरार है और हम निश्चित रूप से उन्हें हमेशा एक अधिक स्थिर संबंध बनाने के तरीके खोजने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहीं आगे थॉम्पसन ने साफ किया कि अमेरिका दोनों देशों में बातचीत की कोशिश करवाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से अपने भारतीय भागीदारों के साथ इस बारे में बात करने पर विचार करेंगे कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। पार्टियों को एक साथ लाने के तरीके खोजने के लिए और लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के जरिए समझौता करना जारी रखेंगे। बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और ऐसे में अमेरिका की ओर से ऐसे बयान के सामने आने के भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। टीबी लाइव की रिपोर्ट।